असलम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वीक के कुछ डेज के क्लिप्स शेयर करूंगी तो इस वक्त मैं बच्चों को मॉल लेके आई हुई थी छुट्टियां हैं तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ना लेके निकलती रहती हूँ तो अभी हम लोग मॉल आए हुए थे और यहाँ पर बच्चे जो है अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं टू फैमिली ये के बालों का हाल देख ये बहुत निकाल देती है अपने बाल अपना बैंड लूज कर देती है ये है ना इट्स स्विमिंग टाइम यस वेल डन वेल डन मीरब तो परफेक्ट है स्विमिंग में और हूरब इज लर्निंग <laughs> ये हमारे पूल की हालत ये हो चुकी है एक्चुअली <laughs> हमने जो है ना इसको पिछले साल पैक नहीं किया था ऐसे ही पड़ा रहा यहाँ पे तो सन में सारा खराब हो गया wow. it's swimming time. Yeah, it's summer.

बच्चों ने स्विमिंग कर लिए तो इनको देने लगी मैं बर्गर और फ्राइज़ मीरा बोल हूरभ तो फ्राइज़ खाएंगी उसीद और उशना लेंगे बर्गर ये गुठहर मैं आपकी प्लेट लेके आती हूँ और इस वक्त उश्ना और उसीैद को टास्क मिला हुआ है उश्ना हूरभ को हेल्प कर रही है और उसद जो है वो मीरभ को पढ़ा रहे हैं इन दोनों को मैंने टास्क दिया है कि छोटी बहनों को आप लोगों ने पढ़ाना है थोड़ी देर के लिए So right and eight, right eight. What's before thirty-nine? Thirty-nine. here. Thirty here. Right here. Thirty nice. Now write it. Very good. Good job. Keep it up. But तो गाइज़ अभी आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर देती हूँ इंतहाई आसान है बनाना और मैं भी खुद हैरान हो गई इसको बना के और इतने मज़े के बने थे कि बच्चों ने कहा मामा अब आपने ये रोज़ बनाने ओफ तो चले रेसिपी शुरू करते हैं एक पैन में आपको सबसे पहले इसका शीरा बना लेना है दो कप पानी लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे वन कप एंड फोर टेबल स्पून शुगर आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है तो यहाँ पे ये शुगर चली गई तो इसको हमने पका के इसका जो शीरा है या चाशनी जो भी कह लें वो तैयार कर लेंगे वैसे गुलाब जामुन का नाम सुन के हमारे जहन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि तो बहुत मुश्किल होगा बनाना लेकिन बहुत आसान है गुलाब जामुन बनाना तो मैंने बनाए हैं तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ वरना तो पहले हिम्मत ही नहीं होती थी बनाने तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगी तीन इलायचियाँ और इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के जितना आपने इसमें लेमन ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा आपने येलो फूड कलर इसमें ऐड करना है इससे जो है वो शेरे का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे और इसको सात से आठ मिनट के दरमिया आँच पे पकाएँगे और उसके बाद जो है इसकी आँच हल्की कर देंगे तो यहाँ पे जो है शीरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था शीरे के नीचे से मैं आंच जो है ना वो बहुत स्लो कर दूंगी और ऑयल भी मैंने बहुत लो फ्लेम पे रखा है तो अभी जो है ना हम लोग गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ लिया है मैंने वन कप मिल्क पाउडर और मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर ये हाफ टी स्पून है इसको टी स्पून मत समझिएगा तो इसमें चला जाएगा वन टेबल स्पून के जितना मैदा आपने क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है और इसमें मैं शामिल करूँगी वन टेबल स्पून के जितना बटर और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए फ्रिज वाला बटर मत इस्तेमाल कीजिएगा तो ये मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था और अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक अदद अंडा ये भी रूम टेम्परेचर पे होगा फ्रिज वाला इस्तेमाल नहीं करना तो इसको हम मिक्स कर लेंगे आपने इसको गूंदना नहीं है इसको हल्के हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है पहले आप इसको स्पून से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है तो अब मैं इसको हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी मिक्सचर थोड़ा स्टिकी ज़रूर होता है हाथों को चिपकता है थोड़ी उलझन होती है चाहे तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपका मिक्सचर स्टिकी है तो डोंट वरी स्टिकी ही हमें चाहिए तो इस तरीके से हाथों को लगना ज़रूरी है तो अभी जो है ना इसकी फिर हम लोग छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे बस देखें इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है और उसके बाद इसकी बॉल्स बनाते जाना है और इस तरीके से बॉल्स बनानी है कि उसमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए स्मूथ सी बॉल्स बननी चाहिए मैं आपके सामने अभी बनाऊंगी आप देख सकते हैं कि आपने एक मतलब नॉर्मल साइज़ की आपने बॉल बनानी है तो इतना आप मिक्सर लेंगे और इसी तरीके से हाथ में आपने उसको आ, उसकी बॉल बना लेनी है देखिए बॉल भी बन चुकी है और बहुत ही आसान है बनाना देखें इस तरीके से जो है ना आपके हाथ ऐसे लगेंगे जैसे आपने ऑयल से ग्रीस किया ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने अपने हाथों को ग्रीस नहीं किया था ये सब मिक्सचर का ही कमाल है तो देखें यहाँ पे बॉल्स तैयार हो चुकी हैं और दूसरी तरफ हमारा शीरा भी तैयार है और ऑयल भी गर्म हो चुका है और ऑयल को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर अंदर डालेंगे अगर तो आपकी बॉल ऊपर आ जाए समझ जाए कि आपका जो ऑयल है वो फ्राई करने के लिए तैयार है तो अभी इसमें ये बॉल्स डालते जाएंगे बॉल्स मतलब गुलाब जामुन तो इस तरीके से डालते जाएं, फ्राई करते जाएं। देखें आपकी ये जो गुलाब जामुन है वो ऊपर आते जा रहे हैं तो इसको आपने मीडियम आंच पर फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो डार्क नहीं हो जाए और अपने मनपसंद का कलर जब आपको मिल जाए तो आपने उसको तब तक फ्राई करना है तो डार्क अगर चाहिए कलर तो फिर थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे शीरे में और देखें यहाँ से मैं निकाल के इसको शीरे वाले उसमें कंटेनर में डाल रही हूँ और इसको पंद्रह मिनट के लिए फिर हम शीरे में छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से शीरा एब्ज़ॉर्ब कर लें देखें कितनी अच्छी शेप और कितने राउंड और कलर भी आप इसका चेक करें बिल्कुल परफेक्ट है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इसको अभी मैं छोड़ दूँगी पंद्रह मिनट के लिए आप इसको ढक के छोड़ सकते हैं तो चले जी अब हम गुलाब जामुन को निकाल लेते हैं बच्चों से जो है ना वो सबर नहीं हो रहा वो कह रहे मामा यू मेरेट चले जी, इसको निकाल लेते हैं यमी। अभी भी मैं उसको डर डर के वो कर रही हूँ कि कहीं ये टूट नहीं जाए ऐसे क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैं ऐसे बड़े प्यार से निकालना है इसको ताकि बेचारे नाराज ना हो जाए तो ये बाकी का जो शीरा है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे करें अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देते हैं और अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो बहुत महव होकर करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँ तो अगर आप कुकिंग करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो मेरे ख़्याल में कुकिंग का मज़ा नहीं ले अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये देखें ये अंदर से किस तरीके से सॉफ्ट और परफेक्ट बना है इसको मैं टेस्ट करती हूँ पहले भी मैं अपनी पिछली वीडियो में योग डिलाइट को टेस्ट कर रही थी <laughs> तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मेरी किसी सब्सक्राइबर ने नोट भी किया था और वो बिल्कुल सच्ची बात थी उस वक्त मेरे मुंह में पानी आ गया था अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बात नहीं कर पा रही <laughs> अच्छा ओके okay. एनी मैं इसको ट्राई करती हूँ बताती हूँ आपको हम्म इतना मज़े का तो मैंने किसी मिठाई वाली शॉप का नहीं खाया <laughs> और इतनी आसानी से बन गए मुझे यकीन नहीं आ रहा ये देखें ये कितने सॉफ्ट हैं ये देखें तो चलिए गाइस आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने तो चले अभी ज़रा बच्चों का रिव्यू लेते हैं मीरप को पसंद है तो देखते हैं इसको कैसे लगते हैं तो इतना नहीं खाती है देखते हैं मीरब का मीरब टेस्ट करो और मामा को बताओ हाउ इज इट कैसे मैं आपको खुद खिलाती हूँ ऐसे ना ये देखो ऐसे हाउ इज इट यम्मी हाउ इज इट यम्मी एनुश्ना आपको कैसे लगा मेरा बेटा ओके okay अच्छा ये था आज का ब्लॉग लाइक जरूर कीजिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन अल्लाह हाफ़िज एंड टेक केयर से अल्लाह हाफ़िज टू तो अल्लाह हाफ़िज अल्लाह हाफ़िज